दोस्तों सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और लगभग हर किसी ने कूलर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा। बहुत सारे लोगों ने तो कूलर को पैक भी कर दिया होगा या फिर पैक करने की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप विंटर में कूलर को पैक करने से पहले अगर उस काम को कर देते हैं तो आपका कूलर लंबे समय तक नए जैसा रहेगा, अच्छी कूलिंग देगा और साथ ही साथ उसकी लाइफ दो गुनी नहीं चार गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं खोजी संतोष। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कूलर को विंटर में पैक करके रखने से पहले हमें कूलर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर कूलर की अच्छी तरह से सफाई नहीं होगी तो ये कूलर लंबे समय तक नए जैसा नहीं रहेगा और इसमें जंग लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों सफाई करने में भी कुछ टेक्निकली चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले हम कूलर के आउटर बॉडी की सफाई करेंगे। जैसे मैं ये विंग्स हो गए तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं विंग्स की सफाई कैसे करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कूलर के विंग्स में कितनी डस्ट बढ़िया, और ये अगर डस्ट लंबे समय तक रहेंगे तो इसमें जंग लगने के चांसेस ज्यादा है। खासकर जो मेटल के कूलर होते हैं उनमें तो वो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आउटर बॉडी की सफाई करेंगे, विंग्स की सफाई करेंगे। तो दोस्तों इन विंग्स को साफ करने के सबसे पहले हम एक ब्रश लेंगे और इस ब्रश से पहले हम इस डस्ट को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इस तरह से एकदम बिल्कुल अंदरूनी पार्ट को हम ऐसे ऐसे करके साफ करेंगे बिल्कुल बारीकी से। दोस्तों आपके कूलर में जंग ना लगे इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आप अपने हनीकॉम्ब पैड और अपने टंकी को कैसे आसानी के साथ साफ करेंगे। तो आगे बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर का आउटर विंग एकदम पूरी तरह से साफ हो चुका है। मैंने ब्रश से इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे और पूरी तरह से साफ करेंगे, उसके लिए हम लेंगे एक बोतल एसिड। दोस्तों अगर आपका कूलर मेटल का है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेटल में जब डस्ट रह जाएंगे और ये कूलर ज्यादा दिन तक रखा रहेगा तो वो जंग में बदल जाएंगे। दोस्तों इसे करना क्या है कि ये इस तरह का आपके पास स्प्रे मशीन अगर होगा, जैसे कि कोविड में हम लोग जो सैनिटाइजर यूज करते थे तो वहां पे ये स्प्रे होता था, तो उसमें हमने इस स्प्रे को इस बॉटल में डाल रखा है। और दोस्तों हमें करना क्या है, हमें स्प्रे करना है इस तरह से, इस एसिड का हमें इस पे स्प्रे करना है ताकि जो डस्ट होंगे वो डस्ट जो हो वो यहाँ से धुल जाए, अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास स्प्रे मशीन नहीं है तो आप ब्रश की सहायता से भी इस एसिड को चारों तरफ मिला सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हम मिला। तो उसी स्प्रे को हम एक दूसरे बॉटल में रिफिल करेंगे साफ पानी से, और इस साफ पानी से हम अभी इसे स्प्रे करेंगे ताकि जो एसिड है वो आराम से निकल जाए और ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। दोस्तों इस साफ पानी से स्प्रे करने से फायदा ये होता है कि जो भी डस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं अच्छी तरह से और साफ हो जाता है अच्छी तरह से। इससे क्या होता है कि अंदर मोटर में भी पानी नहीं जाता है और अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाता है। दोस्तों आगे बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताई गई है, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहें। तो एक साफ कपड़ा लेके हम इसे अच्छी तरह से पोंछेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, डस्ट बिल्कुल नहीं है और प्योर अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। इसकी आउटर बॉडी आप देख सकते हैं, विंग्स इसका एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे नए जैसा है। दोस्तों इस तरह से आप इसके विंग्स को साफ करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसके इनर टैंक को और इसके हनीकॉम्ब पैड को, इसके डस्ट फिल्टर को और इसके टैंक को कैसे साफ करेंगे। और साथ ही साथ अभी मैं ये भी बताऊंगा जो इसके रॉड होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो मोस्टली जंग लगते सड़ जाते हैं, तो आप उसको न जंग लगने के लिए क्या करेंगे मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों चलिए अब हम इस कूलर के इनर पार्ट को खोलते हैं एक एक करके। तो देख सकते हैं ये है इसका इनर पार्ट, और इसके इनर पार्ट में बहुत सारी गंदगी है और अब इसे हम बारी बारी साफ करेंगे। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं अगर हम इन रॉड्स की अगर अच्छी तरह से मेंटेनेंस ना करें तो ये इसमें जो धूल है वो जंग बन के और फिर इसको बर्बाद कर देंगे, तो हमें इसकी मेंटेनेंस करनी है। और ये जितने ये जो नट्स बोल्ट आप देख रहे हैं हमें इनकी मेंटेनेंस करनी है, नहीं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगों ने अपना जगह बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम इसके मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी सफाई करनी है, हमें एक ब्रश से इसकी सफाई करनी है। तो पहले हम ये ब्रश लेंगे और इसके जो डस्ट है उसको हम पहले साफ करें। तो दोस्तों जैसा कि ये मेरे पास एक पेपर है जिससे जंग छुड़ा जाता है, तो जहां भी जंग लगा है उसे आप इस तरह से रगड़ के साफ कर लें। दोस्तों इस पे हमें एसिड का स्प्रे करना है, जितने भी रॉड हैं जितने भी लोहे के एंगल्स हैं उस पे हमें एसिड का स्प्रे करना है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज होगी, जो भी डस्ट होंगे वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। दोस्तों यह वही एसिड है जिससे हम टाइल्स वगैरह अपना बाथरूम साफ करते हैं, और दोस्तों ये आसानी से मार्केट में 30-40 रुपए 50 रुपए मिल जाते हैं। वही पानी वाला स्प्रे करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। जो भी रॉड है उस पर हम पानी का स्प्रे करेंगे ताकि जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी गंदगी है, डस्ट है वो गिर जाएगी। तो पहले जिस तरह से हमने विंग्स पे स्प्रे किए थे एसिड, फिर पानी का स्प्रे करके इसको साफ किया, उसी तरह से हम इस पे भी पानी का स्प्रे करेंगे ताकि सारी गंदगी बाहर आ जाए। बस ध्यान रखना है कि मोटर पे नहीं करना है। इस तरह से हम इसके विंग्स को भी साफ कर लेंगे, जो भी इसके विंग्स में गंदगी है उस तरह हम इसको हाथ से या कपड़े से साफ कर लेंगे पानी छिड़क छिड़क के। इस तरह से पहले हम इस पर पानी को हल्का सा स्प्रे करेंगे, फिर ये हाथ या कपड़े से इसको हम ऐसे रगड़ के साफ कर लेंगे। इसकी गंदगी जो होगी उसको हम एक कपड़े से पोंछ लेंगे। तो हम एक सूखे कपड़े से इसके विंग्स को साफ कर लेंगे।
और जो भी यहाँ पे रॉड्स हैं उसको हम एक सूखे कपड़े से, साफ कपड़े से साफ करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कूलर की ऑल क्लीनिंग के बारे में बताया, यानी कि हर एक पार्ट्स को आपको कैसे साफ करना है। हम करेंगे इसके इनर टैंक की सफाई। तो सबसे पहले हम इसके टैंक को ओपन करेंगे। उसके लिए दोस्तों हमें ये जो टैंक का जो कवर है, टैंक कवर, उसको ओपन करना है। तो आइए सबसे पहले टैंक कवर को ओपन करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने लिए एक बेस्ट कूलर, एक अच्छा सा कूलर खरीदने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों मैंने बेस्ट कूलर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसका टैंक कवर ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं अंदर कितनी गंदगी है, पूरी एक साल की गंदगी नीचे स्टोर पड़ी है। ये जो है आप देख रहे हैं इसका लेवर, वाटर लेवल इंडिकेटर सेंसर है, ये सबमर्सिबल पंप है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और दोस्तों ये है इसका ऑटो फिल। तो अब हम इस टैंक की करेंगे सफाई, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस टैंक की सफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं और फिर हम इसकी टैंक की सफाई करेंगे। तो दोस्तों टैंक की सफाई करने के लिए हम इसी एसिड का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम पहले चारों तरफ से स्प्रे करेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ से जितनी गंदगी है उस पर पहले इस एसिड को स्प्रे करना है, और जहां ज़्यादा गंदगी है वहां हमें डायरेक्ट डालना होगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं इस एसिड को स्प्रे कर रहा हूँ। या फिर दोस्तों अगर स्प्रे से साफ नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से इसे ग्लास में या प्लास्टिक ग्लास में एसिड को ले लें और इस तरह ब्रश को डुबाएं और चारों तरफ इस तरह से आप ऐसे इसको लगा दें तो आसानी से साफ हो जाएगा। स्प्रे से बढ़िया ही साफ होगा। तो इस तरह से आप चारों तरफ से ब्रश को इस तरह से घुमा दें, आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से क्लीन हो रहा है। दोस्तों अच्छी तरह सफाई करने के बाद नीचे जो मैनुअल ड्रेन का जो ढक्कन है, कैप है, उसे हटा दे ताकि सारी गंदगी नीचे से निकल जाए। देखते हैं मैंने एसिड और ब्रश की सहायता से इस इनर टैंक को कितनी बेहतरीन तरीके से साफ किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया जैसा है। तो देख सकते हैं आप ये टैंक कितनी अच्छी तरीके से साफ हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया जैसा ये फील कर रहा है। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से सफाई हुई है। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एसिड और ब्रश की सहायता से मैंने इसे साफ किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबमर्सिबल है इस पे हेवल्स का लोगो भी दिखने लगा। तो मतलब ये इतनी बेहतरीन तरीके से साफ हो गया है कि इस पे हर कुछ एकदम साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस टंकी की संपूर्ण सफाई सिर्फ और सिर्फ मैंने एसिड और ब्रश की सहायता से की है। दोस्तों गंदगी अगर जहां पे ज्यादा होना तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा अगर आप एसिड डाल देंगे तो वो आसानी के साथ रिमूव हो जा रहा है सारी डस्ट, सारी गंदगी। और दोस्तों आप नीचे से जो होल है वो मैनुअल ड्रेन का होल है, वहां पे उस कैप को आप नीचे से हटा दें ताकि जो भी गंदगी हो ना वो इसमें से नीचे से निकल जाएगी, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस होल को, उस ढक्कन को जरूर हटा दें साफ करते वक्त। तो इस तरह से सिर्फ एसिड और ब्रश की सहायता से आप अपने इनर टैंक को इतने बेहतरीन तरीके से साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम क्लीन हो चुका है। अभी दोस्तों ये थोड़ा गीला है, अब हम इसे एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी जो नमी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। एक साफ कपड़ा लेंगे सूखा हुआ है, अब हम इसके इनर टैंक को अच्छी तरह से साफ करेंगे। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि इसके हम हनीकॉम्ब पैड और इसके डस्ट फिल्टर को कैसे साफ करेंगे बिल्कुल आसानी से। दोस्तों थोड़ी देर हम इसे धूप और हवा में सूखने के लिए छोड़ देते ताकि इसकी नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब दोस्तों हम इसके एयर फिल्टर और हनीकॉम्ब पैड को साफ करेंगे। तो ये है इसके तीन डस्ट फिल्टर और हनीकॉम्ब पैड जो काफी गंदी स्थिति में है। अब मैं इसे बारी बारी से निकाल रहा हूं और निकाल के आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी स्थिति में है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फिल्टर को निकालते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसका डस्ट फिल्टर कितना गंदा हो चुका है। और दोस्तों ये डस्ट फिल्टर जब गंदे हो जाएंगे ना तो आपका कूलर जो है वो ना तो अच्छी तरह से कूलिंग कर पाएगा और ना ही अच्छी तरह से हवा दे पाएगा। तो अगर आपका कूलर हवा अच्छी तरह से नहीं दे रहा है और तेज हवा नहीं दे रहा है, अच्छी कूलिंग नहीं दे रहा है और आपके कूलर से मिट्टी की स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका फिल्टर भर चुका है, गंदा हो चुका है और इसे अब साफ करने की जरूरत है। तो दोस्तों चलिए हम इसे साफ करते हैं। आप सोचेंगे इसको नॉर्मली पानी से साफ करना है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको पानी से स्टार्टिंग में साफ करेंगे तो ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो डस्ट है वो इसके जो ये जो नेट है उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों इसको साफ करने का, इसको क्लीन करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको साफ करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो, अगर आपके घर में इस तरह का कपड़े साफ करने वाला जो ब्रश होता है अगर वो हो तो सबसे बेस्ट होगा, अगर नहीं है तो इस ब्रश से भी काम चल जाएगा। तो हमें सबसे, अभी हमारे पास ये ब्रश है तो सिंपली हमें पहले क्या करना है, इस पे पहले पानी नहीं डालना है, पहले हमें ये पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। एकदम जब सूखा हो तो इस ब्रश से हमें इसको ऐसे करके इसको साफ कर लेना। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये साफ हो रहा है। अगर दोस्तों इस पे मैं अगर पानी डाल दूंगा ना तो ये जितने धूल है और जितने भी ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है वो इस पे फंस जाएंगी और इसका जो जाली है वो पूरी तरह से जाम हो जाएगा, तो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो यही टेक्निक है कि हमें इसको सूखे हुए ही साफ करना है, जब ये सूखा हो तभी इसको साफ करना है ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। दोस्तों बारी बारी से हम सारे डस्ट फिल्टर को साफ कर लेंगे दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से साफ कर लेंगे ताकि कहीं से भी डस्ट की गुंजाइश न रहे। डस्ट रहेगा तो अच्छी हवा नहीं देगा। हम लेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और फिर उसी ब्रश से जिससे मैंने उसको साफ किया था या फिर कोई कपड़ा लेके हम अब इसको पानी से भिगाएंगे। इस तरह से अब हम इसको पानी से
इस तरह से भिगाएंगे अच्छी तरह से, जितने भी पैड है उसे हम पानी से अच्छी तरह से भिगो देंगे ताकि इसकी गंदगी फूल जाए। फिर इसको अच्छी तरह से भिगाने के बाद इस ब्रश में हम थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाएंगे और फिर इसे रगड़ेंगे इस तरह से। जितने भी पैड है उसे हम ब्रश और डिटर्जेंट की सहायता से साफ करेंगे, दोनों तरफ अलट पलट के दोनों तरफ साफ करेंगे ताकि गंदगी कहीं भी ना रह जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने डस्ट नेट पैड को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। हम इसे थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये इसकी नमी जो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो चलिए अब हम जानेंगे कि हम इसके हनीकॉम्ब पैड को कैसे अच्छी तरह से साफ करेंगे। दोस्तों अगर आपका हनीकॉम्ब पैड गंदा रहेगा तो ना तो वो अच्छी कूलिंग करेगा और ना ही स्वच्छ हवा देगा, तो कृपया हनीकॉम्ब पैड को हमेशा साफ। दोस्तों देख सकते हैं कितनी गंदगी है इस पैड में, जबकि डस्ट नेट रहने के बावजूद भी इतनी सारी गंदगी इकट्ठी हो गई। तो चलिए बारी बारी से हम इसे क्लीन करते हैं। तो हनीकॉम्ब पैड को भी साफ करने के लिए हम लेंगे उसी एसिड को, एक ग्लास में हम प्लास्टिक के या फिर शीशे ग्लास में इसको हम डाल देंगे जिस तरह से हमने बाकी सब चीज़ों को साफ किया, और फिर वही ब्रश लेंगे और उस ब्रश की सहायता से हम इसके पैड को साफ करेंगे इस तरह से बारी बारी से। आप देख सकते हैं जब इसको पैड को साफ़ कर रहे तो इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो किस तरह से बाहर आ रही है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें पैड को साफ करने है। दोस्तों अगर आपके पैड में गंदगी ज़्यादा है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एसिड डालें, क्योंकि ब्रश से रगड़ने के बाद तो साफ तो हो जाएगा लेकिन जो अंदर जो गंदगी है वो साफ नहीं होगा। तो ज़्यादा गंदगी है तो डायरेक्ट एसिड डालें। फिर दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेंगे, तेज बौछार से अगर हो तो बेटर रहेगा। दोस्तों अगर गंदगी ज़्यादा है तो आप तेज प्रेशर वाले पानी का इस्तेमाल करें। दोस्तों देख सकते हैं ये डस्ट नेट कितनी बेहतरीन तरीके से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल करीब से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब कि एक एक चीज़ एकदम सारी इम्प्योरिटी निकल गई है। अगर आपका नाक बंद हो जाए तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, उसी तरह ये कूलर का नाक होता है। कूलर अच्छी हवा थो तभी कर पाता है जब ये डस्ट नेट पूरी तरह से साफ होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम डस्ट नेट को क्लीन करते हैं। तो अब ये हनीकॉम्ब पैड सूख के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने फ्रेश और नए जैसा फील हो रहा है, मतलब कि सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ गई है। दोस्तों इसी तरह से ब्रश और एसिड को यूज करके हम अपने हनीकॉम्ब पैड को क्लीन करेंगे। दोस्तों अगर हनीकॉम्ब पैड क्लीन रहेगा तो काफी फ्रेश हवा आएगा और आपका कूलर अच्छी तरह से कूलिंग कर पाएगा। दोस्तों देख सकते हैं हनीकॉम्ब पैड बिल्कुल सूख के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल साफ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम हनीकॉम्ब पैड को फिट करेंगे इस कूलर के इस पैड में, तो यहाँ से हम इसको फिट कर रहे हैं। दोस्तों हनीकॉम्ब पैड को फिट करते समय जिस स्क्रू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो स्क्रू पे हमें ग्रीस जरूर लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों हनीकॉम्ब पैड सबसे ज्यादा पानी के संपर्क में रहता है और सबसे ज्यादा जंग लगने की चांसेस वही है, तो स्क्रू लगाते समय ग्रीस जरूर लगाएं। तो अब हम इसमें इस डस्ट पैड को फिट करेंगे। दोस्तों अब हम करेंगे इस कूलर में सबसे इंपॉर्टेंट काम। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, अक्सर कूलर में जंग लग जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, जहाँ ये लोहे के एंगल्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, मेटल के जो नट बोल्ट्स होते हैं वहाँ पे जंग लग जाते हैं। 2-3 साल के बाद ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें बदलना पड़ता है और या फिर टूट जाते हैं ये। दोस्तों इस पे जंग ना लगे, इनके नट बोल्ट पे जंग ना लगे, इसके लिए हमें इस पे क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों हमें एक लेना है ग्रीस, आप देख सकते हैं ये ग्रीस है, और हमें एक ग्रीस लेना है या फिर उंगली के सहारे से या इस ब्रश के सहारे से हमें इस ग्रीस को ऐसे ब्रश में लगाना है और फिर चारों तरफ हमें इस जो भी लोहे के एंगल्स हैं उस पर हमको इस तरह से पॉलिश कर देना है, चारों तरफ ऐसे हर जगह इसको ऐसे पॉलिश कर देना है ताकि जो ग्रीस है वो हर जगह लग जाए। दोस्तों जंग साफ करते समय जहाँ पे पेंट छूट गए हैं वहाँ पे आप पेंट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ग्रीस को जरूर लगाएं उंगली की सहायता से जितने नट बोल्ट हैं वहाँ पे ग्रीस। दोस्तों इस तरह से हमें हर जगह ग्रीस लगा देने हैं, हर नट बोल्ट जितने भी नट बोल्ट हैं, जितने भी नट बोल्ट हैं, जहाँ जहाँ नट बोल्ट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे हमें अच्छी तरह से ग्रीस को लगा देना है। जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी रॉड हैं, जितने भी नट बोल्ट हैं वहाँ पे मैंने ग्रीस लगा दिया है। अब दोस्तों मैं इसके टैंक को पैक करने जा रहा हूँ, जिसका टैंक कवर है, अब मैं इसे पैक करने जा रहा हूँ। टैंक कवर को फिट करते समय जितने भी स्क्रू हैं उस पर आप ग्रीस जरूर लगाएं, नहीं तो वो भी जंग खा जाएंगे। और दोस्तों अभी तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में करके जरूर बताएगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फाइनली ये कूलर पूरी तरह से साफ हो गया, इसका एक एक पार्ट साफ हो गया और साथ ही साथ हमने इसे जंग प्रतिरोधक भी बना दिया, हर एक एंगल पर ग्रीस भी लगा दिया। तो अब हम कूलर को पैक करेंगे। दोस्तों हमें कूलर की सर्विसिंग करने के दौरान जितने भी नट बोल्ट या स्क्रू हैं वहां पे कसते समय हमें ग्रीस जरूर लगाना है जंग से बचने के लिए। दोस्तों इस तरह से आप अपने कूलर को अच्छी तरह से वॉश करके, मेंटेन करके और साफ सुथरा करके विंटर में अपने कूलर को रख देंगे तो आपका कूलर हमेशा नए जैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छी कूलिंग करेगा, और जब समर में आप इसको स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल नए कूलर जैसा फील देगा।
दोस्तों इस तरह से आप अपने कूलर को अच्छी तरह से पैक करके और विंटर में रख दें। दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।